राम, जैसे राम का नाम लेते ही हमारी ये गोमाता बैठ विराज जाती है। जैसे भगवान का कीर्तन करें, जब से अयोध्या में भगवान पधारे हैं, और ये भी राम की प्रेमी है, देखिए जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। इस प्रकार से विराजमान होती है, देखिए भगवान का नाम लेते ही ये गौ माता जो है विराजमान हो जाती है। जब भी भगवान का श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम, श्री राम जय राम। देखिए राम कह दो, राम के महत्व कितना, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही इस गोमाता हम कीर्तन करते हैं, ये भी राम भगत है, अयोध्या की भगत है, और जिसने अयोध्या में मंदिर बना था ये भी अपने आप बहुत ही खुश थी। किस प्रकार से देखिए, गौ माता भी सुनती है भगवान का, जब हम कीर्तन करते हैं तो ये विराजमान होते हैं ना, अद्भुत बात, कितनी गजब बात है। और हम इसको डेली जैसे भगवान का नाम लेके और उसके हाथ फेरते हैं तो ये बैठ जाती, विराजमान हो जाती है, ऐसी हमारी प्रिय गौ माता। हम इसकी नित्य प्रति सेवा करते हैं, क्या बात है। आपने सुना होगा, कहीं नहीं सुना होगा कि भगवान का नाम लेने पर कोई गौ माता विराजमान हो जाती है। और जैसे ही आप कीर्तन करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं, फटाक से विराज, आपने देखा होगा, विराजमान होते हैं, क्या बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है, 33 करोड़ देवी देवता शरीर में विराजमान होते हैं। एक गौ माता की सेवा करो, आपको नहाना धोना, पूजा पाठ करना, माला फेरना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल गौ माता की सेवा कीजिए। अपने घर में कम से कम एक गौ माता अवश्य रखें, जिनके जगह नहीं है घर में। आजकल मोदी जी ने बताया छोटी छोटी गौएं आती है, जिस प्रकार से हम घर में कुत्ते पालते हैं उतनी सी अपार्टमेंट उतनी जगह में छोटी गाय आती है, वो अपने घर में रखिए। क्योंकि सनातन धर्म का दौर है, ये सदी जो है सनातन धर्म की है। प्रत्येक व्यक्ति से मेरी अर्जी है, विनती है कि अपने घर में कम एक गौ माता। देखिए जैसे भी इसके हाथ फेरते हैं अपन, आपकी जो बीपी कंट्रोल में होगी, आपका शुगर कंट्रोल में होगा, आप हार्ट के पेशेंट हैं तब भी आपका कंट्रोल होगा। सभी से मेरी बार बार हर हज़ार बार विनती है कि आप अपने घर में एक गौ माता रखें। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो गोद ले लें, गौशाला से वहाँ सेवा करने जाएं, और भी जगह कम है तो छोटी गौ माताएँ और आती है उनको अपने घर में रखिए।